हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, हम लोग अब जो है डेली रूटीन बना लिया है, जिसमें हम लोग एक डेली वीडियो ये लेके आएंगे, लेकिन इसको हम लोग जो है एक टाइम टेबल से मैच करेंगे। जैसे मंडे को एक सब्जेक्ट का वीडियो आएगा, ट्यूसडे को एक सब्जेक्ट का आएगा, थर्सडे को, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे को तो देखिए आपका जो है टेस्ट होगा बाकायदा, ठीक है। तो उसके लिए अब आपको करना क्या है, संडे को एक टेस्ट ले लेंगे। संडे सातों दिन हमारे जो है एक पैटर्न पर चलेंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने पहले दिन पॉलिटी किया, मंडे को पॉलिटी किया, ट्यूसडे को हिस्ट्री हो जाएगा, या ऐसे समझ लीजिए कि मंडे को हिस्ट्री हुआ, ट्यूसडे को ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर आपका जो है इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर आपको पॉलिटी मिल जाएगा, फिर उसके बाद जो है आपकी दंड संहिता आ जाएगी, फिर उस स्टैटिक जीके भी है, फिर स्टैटिक जीके भी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग एक पैटर्न पे चलेंगे। ये टाइम टेबल आपको मेरे चैनल पे कम्युनिटी में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके इसको देख लीजिएगा। खैर अभी मैंने अभी डाला नहीं है, आज कल में मैं इसको देखता हूँ कि कैसे क्या प्लान हो रहा है, क्योंकि आज तो मंडे है नहीं जो मैं स्टार्ट कर दूँ। लेकिन आज वीडियो मैं आपको संविधान का प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज कौन सा दिन है, आज पड़ेगा थर्सडे, थर्सडे पढ़ रहा है, और थर्सडे को हम लोग जो है अगर संविधान पढ़ रहे हैं तो फिर इसी तरीके से रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और फिर इकोनॉमिक्स कर लेंगे, फिर पॉलिटी आ जाएगी, फिर इसी तरीके से मंडे ट्यूसडे से मंडे से लेकर संडे तक हम लोग एक पूरा पैटर्न लेके चलेंगे। और हिंदी आपको सातों दिन रहेगी। संडे को जो है हम लोग एक टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट को कैसे करेंगे, टेस्ट करेंगे लाइव क्लास बैठ के करेंगे, तो पूरे दो घंटे का ही टेस्ट होगा। उस टेस्ट के आधार पे हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप अपने कितने सही कर सकते हैं। और देखिए वहाँ पर चीटिंग करेंगे तो आपको नुकसान है, अगर आप चीटिंग नहीं करते हैं तो आपका ही फ़ायदा है। तो इसलिए हम लोग संडे को एक टेस्ट करेंगे, तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर डाल दिया जाएगा वहाँ पे नोटिस, आप उस नोटिस के हिसाब से अपने आप को इसको फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही भाई जितने भी लोग देखिए लाइव क्लास में क्लास अटेंड कर सकते हो वही उसमें वोट कीजिएगा, बाकी लोग वोट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके वोट के आधार पर हम लोग उसको जो है लाइव क्लास संडे को एक टेस्ट जरूर करेंगे पर डे पर डे। देखिए अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, लेकिन हम लोगों का अपना पूरा एक चार्ट तैयार हो चुका है, उस चार्ट के आधार से आपके पेपर तक हम लोग साथ रहेंगे। आप सोचिए आपको कितनी चीज़ें रट जाएंगी। आपको देखिए हिंदी का वीडियो मिल चुका होगा, आपने उसमें देखा होगा कितने अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज़ों को। ये आपका कंटिन्यू ऐसे ही रहेगा, आपको हर एक चीज़ ऐसे याद कराएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। ऐसे ही आपको ये जीएस को अभी पैटर्न रहेगा, जीएस भी आपको ऐसे ही पढ़ाई जाएगी। चलिए तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा संविधान का पहला क्लास है, हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए लिखा हुआ है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार द्वारा पेश किया गया था। हाँ दोस्तों, एक चीज़ क्वेश्चन जो है करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई देखिए जो भी लोग वीडियो देखते हो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। साथ ही जितने नए लोग देखते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, ना तो आप लोग वीडियो लाइक करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। 85% बच्चा मैंने जो लास्ट वीडियो डाले हैं उन पर 85% प्लस बच्चा ऐसा है जो सिर्फ वीडियो को देख रहा है, लाइक नहीं कर रहा है, प्लस वो देख तो रहे हैं और वीडियो पर सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। तो ये गलत है, आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था, तो ये M.N. राय जो चौथे ऑप्शन में आपको दे रखे हैं, इन्होंने 1934 में जो था संविधान सभा का विचार सबसे पहले इन्होंने ही दिया था, ठीक है। फिर 1895 में बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की थी, ठीक है। फिर 1938 में नेहरू के द्वारा पहली बार वयस्क मताधिकार संविधान की मांग की गई थी। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहे थे जो आपके सामने रख दिए गए हैं। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ करे तो आप लोग उसको कमेंट में पुट कर दिया करें, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, हिंदी, जीएस, किसी का भी हो, आपको मैं कहीं से भी प्रोवाइड कराऊँ, मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। सेकंड नंबर देखिए क्या लिखा हुआ, सरकार के जो संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम जो है निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अच्छा, उसका संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, लिखा हुआ राजशाही शासन, वेस्टमिंस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी और शासन। वेस्टमिंस्टर मॉडल दे रखा है, राजशाही शासन, कैबिनेट सरकार और उत्तरदायी शासन। तो दोस्तों इसमें जो संसदीय स्वरूप का जो दूसरा नाम है वो राजशाही शासन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मोनार्ची अपने यहाँ पर भारत नहीं है, क्योंकि मोनार्ची भारत में नहीं है। और संसदीय स्वरूप जहाँ पर होगा वहाँ पर लोकतंत्र होगा, ठीक है, डेमोक्रेसी होगी, ना कि मोनार्चिकल जो है गवर्नमेंट नहीं हो सकती। तो यही राज जो है संसदीय स्वरूप का नहीं, ये राजशाही शासन है, यहां पे राजा होगा, यहां पे जनता के द्वारा चुना गया राजा नहीं होगा। चलिए फिर देखिए, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम के निर्माताओं द्वारा जारी भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान के केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है, ये कहां से लिया गया है। देखिए ये जितने भी स्रोत हैं
8 देशों से हमारे स्रोत लिए गए हैं। ये सारे के सारे स्रोत आप लोग याद कर लीजिए। इनसे स्रोत से देखिए आपको एक नंबर 100% मिलेगा, ये मैं बता रहा हूँ। हर पेपर में मिलता है, आपके ही पेपर में नहीं। तो भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान के पास अपशिष्ट शक्तियाँ होने का संकल्पना जो ली है, तो दोस्तों वो कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से। अच्छा जी, मतलब चौथा क्वेश्चन मैंने आपको बता डाला। तीसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय का संघीय न्यायालय स्थापित हुआ? तो जो भारत का संघीय न्यायालय, संघीय की बात की जा रही, तो 1937 आ जाएगा, वरना आपको उसके अलावा जो है 1873 में भी बना था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 1935 में जो भारत सरकार का अधिनियम 1935 था, इसके तहत जो है भारतीय संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, लेकिन ये 1937 में ये कह सकते हैं कि लागू किया गया था। स्थापित कब कर दिया गया था? 1937 में। चलिए, फिर लिखा है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अपशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना की गई? तो मैंने आपको बताया कि कनाडा से। उसके अलावा दो तीन चीज़ें और आप देख लीजिए यहाँ पे, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार व संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई और प्रस्तावना वहाँ से ली गई है। और जो यूनाइटेड किंगडम, यानी कि जिसको हम ब्रिटेन भी कहते हैं, ये संसद का जो संसदीय रूप होता है, यानी कि सरकार का जो संसदीय रूप है, वो लिया गया। एकल नागरिकता ली गई और विधि का शासन लिया गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए क्या लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में क्या, आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश के भी बच्चे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश के नहीं होंगे। चलिए, तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये उसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता था, ठीक है। 1921 में ये लागू कर दिया गया था, जो मोंटेग्यू सुधार के रूप में जाना जाता है, ये 1919 को जाना जाता है, लेकिन लागू कब हुआ था? 1921 में, ठीक है। देखिए ये चार लगेगा, नीचे लिख देता हूँ, 1921 में लागू हो गया था। चलिए, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि के मामले में एक समाजवादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को, अरे यार फिर दिखाई नहीं देगा, ऐसे रखते हैं, एक बार इंग्लिश में आप लोग नज़र डाल लीजिए जिनको इंग्लिश में पढ़ना है, बाकी चलिए। के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया है, तो किसको माना गया है? चलिए देखिए, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, सुनील नहीं, यहाँ पे समता होता तो, लेकिन तो दिल्ली नहीं था, समता के लिए था। मेनका गांधी बनाम भारत संघ और नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ, समता बनाम आंध्र प्रदेश। देखिए ये ठीक है, समता दे रखा है, ठीक है। तो ये समता बनाम आंध्र प्रदेश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था, ये बिल्कुल सही बात कही गई थी। समता जो था वो एक NGO था, याद रखिएगा, ये जो समता जो नाम दिया है यहाँ पे, ये एक NGO था। देखिए जितने भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो UPSI का होगा, UP कॉन्स्टेबल का होगा, ये मतलब यूपी में जितने भी फोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलिए फिर देखिए, 7 नंबर, 1909 में के भारतीय परिषद अधिनियम, जो 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है मार्लेमेंटो सुधार, 1935 वालों मोंटेग्यू और 1909 को ये मार्लेमेंटो सुधार जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आगे मैं लिखे देता हूँ, ये 1919 था, ठीक है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 को था और मार्लेमेंटो 1909, ठीक। देखिए इस तरीके से जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद होगा, बस आप साथ रहिए, याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। चलिए 8वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि भारत संघ, अभी पीछे जो चौथा या 5वां क्वेश्चन था उसमें ही हम लोगों ने, चौथा क्वेश्चन था, तो वो कौन सा क्वेश्चन था? उसमें कनाडा था, तो कनाडा के संविधान से ये लिया गया है, जो केंद्र, शक्तिशाली केंद्र वाला जो संघ होगा वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक। इसका जो संविधान, अब बाकी से मैंने आपसे बताया ना कि ये जितने भी हैं आप ऐसा करके याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया से संविधान सूची ली गई, दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन लिया गया है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप
इसको याद कर लीजिए, वरना भाई आप देखिए ये तो आपके पेपर में 100% यहाँ से जितने भी ये क्वेश्चंस बनते हैं ये आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। संविधान के जितने भी स्रोत होते हैं ये पेपर में आपको 100% एक नंबर दिलाएगा, तो आप इसको ज़रूर देख लिए। भारतीय संविधान के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों का अभिव्यक्ति किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ये किसने कहा था? चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि एन गोपालास्वामी अय्यंगर, के एम मुंशी ने कहा था, या सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। तो इन्होंने ही कहा था, जो के सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जो थे इन्होंने ही कहा था कि संविधान हम जो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना है उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ठीक है, इन्होंने जो था 1929 से लेकर 1944 तक जो है ब्रिटिश कालीन जो मद्रास था उसमें अधिवक्ता के रूप में काम किया था। चलिए फिर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या लिखा हुआ, दिल्ली नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब की गई थी। अब पहली बार की बात की जा रही है तो याद रखिएगा पहली जो संविधान सभा बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक जो हुई थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़रूरी है और ये आपको पता भी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर नहीं पता होगी तो भैया देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर आप गड़बड़ कर जाएंगे इसमें। तो दूसरी 11 में, पहली 9 में। चलिए फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ, भारत के अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद का प्रावधान के तहत सृजित किया गया है। किसके तहत सृजित किया गया है? ठीक, पार्लियामेंटो के सुधार के तहत ये सृजित किया गया था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो कब? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, इसको माउंटेंगू चेम्स फोर्ड कहते थे। नहीं, 1909 को तो हम लोग शायद माउंटेंगू कहते थे। हाँ, 1909 को मार्लेमेंटू था और 1919 को माउंटेंगू चेम्स फोर्ड था। तो ठीक है, 1919 को जो है माउंटेंगू चेम्स फोर्ड था, तो ये उसी को, उसी में भारत सरकार अधिनियम के तहत ये जो है स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं इनका पद जो है सृजित किया गया था। ठीक है, 1909 में अधिनियम जो है 1909 भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद सृजित किया गया है। और ये अनुच्छेद पूछा जाता है तो अनुच्छेद 93 याद रखिएगा, जिसके अंतर्गत जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और 94 में उनके त्याग का जो है वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया है 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए फिर 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिसमें महिलाएं थी, इसमें महिलाओं की संख्या 15 थी। यहाँ पे यही क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और सेम लैंग्वेज में आता है और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। ये देखिए यूपीपी कॉन्स्टेबल 2019 में पूछा गया है, मैंने जब अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था ये उसमें क्वेश्चन आया भी है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 जो सदस्यों में हस्तलिखित संविधान था जिसमें हाथ से लिखा गया था, तो उसमें जो है जो महिलाएं थी वो कितनी थी। ठीक है, और इसको जो ये भी क्वेश्चन अभी यूपीपी वीडियो में आया था, जो उत्तर प्रदेश का जो वीडियो का भी री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था, जो हस्तलिखित संविधान है किसके द्वारा लिखा गया था, तो याद रखिएगा ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो है इन्होंने हस्तलिखित संविधान लिखा था, इन्होंने ही हाथ से लिखा था, ऐसे सीधे समझ लीजिए। भारत का जो मूल रूप संविधान है, जो भारत का क्या था, भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो अब देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया ना, भारत का जो हस्तलिखित संविधान है वो किसने लिखा था, तो ये लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के हाथों से लिखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैंने जैसे ही कहा वैसे ही तुरंत नीचे आ गया यूपीपी कांस्टेबल 2019 शिफ्ट 1 में ये पूछा भी गया। वाह भाई वाह, देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी क्वेश्चन मैं बीच में बताऊँ आप उनको दिमाग में डाल के ध्यान से पढ़ा करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
हैं। चलिए अब 15 नंबर देखते हैं, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कलानुक्रम में लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करें और सबसे अंत में घटी घटना के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मत से अंगीकृत हुआ, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत हुआ, फिर जनगणमन राष्ट्र के रूप में अंगीकृत हुआ। तो देखो इसमें सबसे पहले जो हुआ था, जो उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ ये 22 जनवरी 1947 को हुआ था, राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ था ये 22 जुलाई 1947 को हुआ था, फिर संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत किया गया था ये आपको पता है 26 जनवरी 1949 को पारित किया गया था, और जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया तो ये 24 जनवरी को जो है 1950 को ये किया गया था। मैं यहाँ पर आपके सामने इनकी जो है ईयर लिख देता हूँ, 22 जनवरी, देखिए रुकिए, जनवरी 1947, ठीक है। चलिए फिर अगला ये जो है ये कब हुआ था, ये भी 22 जुलाई 1947 को ही, ये 22 जुलाई को हुआ था, वो जनवरी को, ये जुलाई को हुआ था, ठीक है 1947। ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 26 नवंबर को 1949, ठीक। और ये कब हुआ था जनगणमन, तो ये हुआ था ये 24 जनवरी 1950 को, ठीक है 24 जनवरी 1950 को। देखिए इसी तरीके से आपको मैंने पूरा बता दिया। अब आप यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, ए बी सी डी बिल्कुल बिल्कुल कलानुक्रम में लगे हुए हैं ये पहले से ही। चलिए भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा में संविधान तैयार करने की जो समितियाँ थीं वो कितनी थीं, ठीक। देखो यहाँ पे वैसे तो समितियाँ जो हैं बहुत समितियाँ थीं, इस जो संविधान को तैयार करने में जो समितियाँ टोटल थी तो वो 23 थीं, ठीक है। कितनी थी, 23। इस ऑप्शन में कोई भी नहीं दे रखा, इसमें से तो जो थी 19 छोटी समितियाँ थी और 8 बड़ी थी, तो इसको ऐसे करके मैं लिखे देता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर नहीं बन पाएगा, यहाँ पर लिखता हूँ 23 समितियाँ थी जिसमें जो थी 19 बड़ी छोटी थी और 8 कैसी थी, 8 बड़ी समितियाँ थीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने कोई भी आंसर सही नहीं था, इसका आंसर सभी को दिया गया था। फिर देखिए क्या लिखा है, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान के सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, उसको अब क्या कहा जाता है, ठीक। संविधान भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, लोकसभा कक्ष कहा जाता है, राज्यसभा कक्ष कहा जाता है, पुस्तकालय भवन। तो जो पहली जो बैठक हुई थी जिसमें अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, ठीक है, ये आपके संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई थी, जो अब जिसको संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, ठीक। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके स्थायी रूप से अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे। तो यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं, ये दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए। चलिए फिर देखिए, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने दिया था, संविधान सभा ने दिया था, निर्देशक सिद्धांत ने दिया था, या सर्वभारत सरकार अधिनियम ने दिया था। तो जो किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया था, तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। इसी के माध्यम से जो है ये जनरल और गवर्नर जनरल का पद आया था, ठीक है, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत भी हो गया था। इसके जो तहत तुरंत के तुरंत क्या हो गया था, भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन स्टेट बना दिए गए थे, जिसमें दोनों देशों के लिए क्या थे, अलग अलग संविधान का गठन हो जाएगा और उनके जो है गवर्नर जनरल तथा प्रदेशों के गवर्नर जनरलों का संवैधानिक प्रमुख दर्जा दे दिया गया था। ये काम जो है ये भारत सरकार अधिनियम ने कर दिया था, जो कि 4 जुलाई 1947 को पेश हुआ था और फिर 18 जुलाई 1947 के तत्काल प्रावधानों से लागू कर दिया गया था। चलिए 19 नंबर देखिए, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। अच्छा, संविधान सभा का अंतिम सत्र की बात कर रहे हैं, तो देखिए लिखे हैं यहाँ पे 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952 और 26 नवंबर 1949। तो जो ये हमारा जो संविधान सभा का अंतिम सत्र जो आयोजित किया गया था, तो वो 26 नवंबर 1949 को आयोजित किया, नहीं 26 नवंबर 1949 को नहीं, 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, ठीक है। 1950 मुँह से निकल रहा है लेकिन फिर भी 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। ये 14 नवंबर जो 1949 को जो था संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव जो रामजी रामबेड यानी कि भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे उन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। इसी के तहत क्या हुआ, संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को जो है पारित कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक की गई और फिर ये जो है 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और हाँ, 1951-52 में आपके प्रथम चुनाव भी हुए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए, फिर लिखा हुआ भारत में कौन से संविधान के बारे में सही है, भारत के संविधान के अच्छा निम्नलिखित में कौन भारत के संविधान के बारे में सही है। चलिए देखते हैं कौन कौन से सही है। लिखा हुआ है ये दुनिया की संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये तो बिल्कुल बात सही है, बहुत जिस भारत का संविधान है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, बिल्कुल नहीं, संविधान को कोई भी निरस्त नहीं कर सकता है। या संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है संवैधानिक सर्वोच्चता, नहीं नहीं ये भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो भारत जो है दुनिया का सबसे जितने भी संप्रभु देश हैं उनमें सबसे लंबा लिखित संविधान है ये याद रखिएगा। तो ये तो पहला सही हो जाएगा। और उसके अलावा संसद संविधान को निरस्त नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। और इसमें हाँ ये जरूर हो सकता है संशोधन कर सकती है, अब तक तो बहुत 125 संशोधन लगभग हो चुके हैं। ठीक, तो संशोधन कर सकती है संसद जो है, लेकिन इसको निरस्त नहीं कर सकती है। भारतीय संविधान संवैधानिक सर्वोच्चता प्रदान करती है, ना कि संसदीय सर्वोच्चता। ठीक है, संवैधानिक सर्वोच्चता होती है ना कि संसदीय सर्वोच्चता। चलिए, ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके कुछ द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति अथवा कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। किसने जो है पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति अथवा शिक्षा का अधिकार दिया गया। तो ये माउंटेंग्यू चेम्सफोर्ड था, मैंने आपको बताया था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था, ये जो है माउंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, इस अधिनियम के द्वारा देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी के द्वारा ये क्वेश्चन आता है कि जो देश में पहली बार जो प्रत्यक्ष चुनाव हुए थे वो किसके वजह से हुए थे, तो या किस अधिनियम की वजह से हुए थे, तो अधिनियम 1919 माउंटेंग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता था। ठीक है, हाँ इसके कुछ विशेषताएं हैं वो मैं आपको नोट करा देता हूँ, आप चाहो तो नोट कर लीजिएगा। इसमें विशेषताएं जो थी वो ये थी कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का गठन हो गया था, प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी, लोक सेवा आयोग का भी गठन हो गया था 1919 के द्वारा, सांप्रदायिक आधार पर सिखों भारतीयों ईसाइयों आंग्ल भारतीयों व यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी, वैधानिक आयोग का गठन कर दिया गया था, केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यक्ष अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान कर दी गई थी। ये काम जो है माउंटेंग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लागू हो गए थे या आ गए थे। चलिए फिर देखिए, निम्न में कौन संविधान सभा के बारे में सही है। चलिए देखिए, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। ठीक, चलिए देखते हैं और बाकी। और जब एक बार संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है। अच्छा, संविधान सभा के बारे में सही है, तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य नहीं, संविधान तो पूरे देश को चलाने के लिए नियमों का एक संग्रह था, तो ये एकमात्र उसका कार्य तो नहीं हो सकता, तो ये तो गलत हो गया। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है संविधान सभा भंग कर दी जाती है, हाँ ये बात सही है, संविधान सभा का काम ही है संविधान को बनाना, तो जैसे ही संविधान लागू होता है संविधान सभा जो होती है वो भंग कर दी जाती है। तो यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर जो लिखा है केवल बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान संवैधानिक सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के बहुत लंबा सवाल है अच्छा प्रणाली के एकल हस्तांतरण के मत द्वारा किया गया था। समय संविधान के सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी ये पूछा जा रहा है, तो उस समय पे 389 पूरी संख्या जो थी वो ये थी। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था, तो ये याद रखिएगा, जिसमें 389 सदस्य थे। चलिए फिर देखिए 24 नंबर, कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। अगर लोकसभा के अध्यक्ष की बात आ जाएगी तो उस समय लोकसभा के पहले अध्यक्ष रहे होंगे, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर, तो ये उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो ये देखिए आपका आंसर सही हो गया।
भारतीय संविधान सभा लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो किस दस्तावेज के अनुसार होता था? तो देखो, आपने संविधान में एक लाइन बहुत जगह पे पढ़ी होगी कि जो भारतीय संविधान में जो है सबसे ज़्यादा बहुत सी चीज़ें हैं एकाएक उठा के ऐसे ही ले ली गई हैं। किससे ली गई हैं? अनुच्छेद 1935 भारतीय संविधान, जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 था, उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। यही पूरा का पूरा उठा के, इससे बहुत सी चीज़ें लगभग 90% यहाँ से ही सब कुछ उठा के लिया गया है। इसके अलावा संविधान में और कुछ कहीं से भी नहीं लिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, जो भारत सरकार अधिनियम, जो भारत संविधान, एक सेकंड, जो भारतीय संविधान जो है लागू हुआ है दोस्तों, जो भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ है, एक सेकंड यार कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक, भारतीय संविधान जो हमारा लागू हुआ था दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, भारत का जो पहला प्रशासन मूल रूप से भारत सरकार अधिनियम 1935 ही था, इसी के नियम पे हम लोग चलते थे। फिर इसके बाद में हुआ क्या, इसमें इस जो 1935 था इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ थी। तो अब आप सोचिए, हमारे अनुच्छेद में जो है जब स्टार्ट हुआ था, अनुच्छेद आया था, तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने अनुच्छेद थे? तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। अनुच्छेद 300 जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 को ऐसे ही के ऐसे ही उठा के बहुत से ज़्यादा तरीकों में ऐसे ही रख दिया गया है। चलिए अब 26 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए? अब देखिए, मैंने आपसे बताया ना कि जब भी आपको क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक आपको लेने पड़ेंगे। कहाँ से पढ़ना है? देखिए, संविधान के स्रोत आप सारे रट लीजिए, आपको एक नंबर मिल जाएगा। ये नहीं कहता है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपकी चार शिफ्ट होती हैं तो चार में मान के चलिए, दो में तो 100% आ ही जाता है। ठीक है, अगर दो बाकी जो बची दो उनमें नहीं आएगा तो उनमें घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भारत के संविधान में कौन रूस से लिए गए कौन से हैं? तो रूस से देखो कौन कौन से लिए गए हैं, कि पंचवर्षीय योजना रूस से लिए गए, मौलिक अधिकार रूस से नहीं लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हैं किस में वर्णित है, 12 से 35 तक वर्णित हैं, और ये 12 से 35 जो मौलिक अधिकार वर्णित है ये कहाँ से लिए गए हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो इसके नीचे मैं अमेरिका लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और मौलिक दायित्व, ये दोनों यानी कि पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व, ये आपके जो हैं ये रूस से लिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, मूल हस्तलिखित संविधान, भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। देखिए, अब लिखित भी पूछा गया था, किसने लिखा था, फिर इसके बारे में और भी चर्चाएं की गई हैं, लेकिन अब यहाँ पे आके उनके जो पृष्ठ जो थे उन पे कलाकारों द्वारा निखारा गया था। कौन से कलाकार थे? तो वो शांति निकेतन के कलाकार थे, जिन्होंने हाथ से लिखे गए जो संविधान था उसके पेजों को, कह सकते हैं जो उनके पृष्ठ थे उनको सजाया था। चलिए फिर 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा के द्वारा नहीं किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा कौन सा कार्य नहीं किया गया है ये देखते हैं। इसे राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। यार ये काम तो संविधान सभा का नहीं था, संविधान सभा का काम था संविधान को बनाना, ना कि प्रधानमंत्री को बनाना। क्योंकि संविधान तो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, फिर 51-52 में चुनाव हुए तब राष्ट्रपति ये बने हैं। तो भैया ये जो है यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसमें जो थे हम, मैं आपको बताता हूँ इसने कार्य क्या क्या किए थे। जो मई 1949 में जो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का जो सत्यापन था वो कैसे हुआ था? ठीक है, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को जो है राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया था, जवाहरलाल नेहरू को भारतीय जनता द्वारा प्रधानमंत्री चुना गया था 1951-52 में, लेकिन उससे पहले, हाँ ये चुनाव हुए थे उससे पहले भी प्रधानमंत्री चुना गया था, लेकिन तब चुनाव नहीं हुए थे, तब भारत की जनता के द्वारा सीधे डायरेक्टली तौर पर चुन लिया गया था। या ये भी कह सकते हैं कि मत तो मिले थे सारे के सारे लाल बहादुर शास्त्री जी को, लेकिन जब गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को जो है बना दिया गया था प्रधानमंत्री। तो ये चीज़ें भी हुई थी। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते LB पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतः क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतः क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? अच्छा, तो इसमें जो है पहली ही अनुसूची में इस तरीके की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रथम अनुसूची जो है भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख करती है, इसलिए इसी में बदलाव जब होगा तभी इसकी अदला बदली की जा सकती है। चलिए फिर 30 नंबर देखिए, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद
नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं को मौजूदा कानून के नाम से उपयुक्त बनाता है। कौन सा? ये भाग के जो अनुच्छेद 3 है इसमें ये बाउंड्रीज की बात की गई है। ठीक है, किसमें? इसमें भाग जो भाग 1 है इसमें अनुच्छेद नंबर 3 है उसी में जो है जो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों को या नामों में परिवर्तन के लिए संसद को शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ कहा गया। अनुच्छेद 2 में क्या होता है? इसमें नए राज्यों या का प्रवेश होता है या उसकी स्थापना होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस जो थे ये बता दें। हाँ, अनुच्छेद 7 रह गया, अनुच्छेद 7 भी दिया है, उसमें अनुच्छेद 7 में ही कहा गया पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार तथा अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है, ये याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो अनुच्छेद 3 आ जाएगा, भाग 1 अनुच्छेद 3। 31 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय में, अब देखिए फिर वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आ गया ना। अब यहाँ पे नए राज्यों के गठन की जब बात की गई है तो नए राज्य का गठन किस में किया जाएगा? अनुच्छेद 3 में। ठीक है, अगर उसकी जो कह सकता है जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना की बात होती है, लेकिन अनुच्छेद 3 में जो है, अनुच्छेद 3 में संविधान में नए राज्यों के गठन की बात की गई है। तो ये दोनों में अंतर है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। आप लूसेंट खोल के जो पहला ही चैप्टर दे रखा है अनुच्छेदों से रिलेटेड, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में डाल लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी, याद हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्न में किस संघ राज्य में विधानसभा है, किसमें विधानसभा है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो ये जो दे रखे हैं संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी में, तो इसमें सिर्फ एक में है, कहाँ पे? पुडुचेरी में है। ठीक है, जो संघ सात राज्य अब तो हैं मेरे ख्याल से 8 हो गए हैं। ठीक है, तो उसमें से सिर्फ जो है पुडुचेरी में जो थी विधानसभा। चलिए, फिर भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी अगर अनुसूचियां पूछी जाएंगी तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था तो उस समय पे 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, अब 12 हो गई हैं, 22 भाग थे तब। ठीक है, तो अब जो है 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं, ये दिमाग में आप अपने स्थिति में डाल लीजिए। 34 नंबर, वह कौन सा भारतीय संविधान की 6 अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? अब भारतीय जो 6 अनुसूची जो है ये विशेष राज्यों को दर्जा देती है। ठीक है, ये 6 जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 6 है इसमें जो पूर्वोत्तर के जो 4 जनजातीय क्षेत्र हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ये जनजातीय क्षेत्रों के लिए 4 जनजातीय क्षेत्र हैं, इनको एक विशेष दर्जा मिला हुआ है, इसमें नागालैंड शामिल नहीं होता है, तो नागालैंड ही आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के जो 22 भाग अनुच्छेद 395 तथा 12 अनुसूचियाँ जो हैं वर्तमान में संविधान की 6 जो अनुसूची जो 6 है उसमें पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय क्षेत्र हैं जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं, इसके प्रशासन के संबंध में उपबंध है, नागालैंड को इस सूची में उल्लेखित बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन आपको हर एक चीज़ क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में बस जाए, वो गलतियाँ ना हो। चलिए 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में क्या लिखा हुआ है? संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसका सही मेल नहीं है? चलिए देखिए, 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची निहित है, बिल्कुल निहित है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान निहित, ये भी है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ, अधिकार, जिम्मेदारी निहित है, बिल्कुल। 11वीं अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में लिखा, नहीं, ये गलत है। ठीक है, यही आपका 4th नंबर गलत हो जाएगा। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण की जो प्रावधान जो है वो 5वीं सूची में है, ना कि आपकी 11वीं सूची में। 11वीं सूची में तो आपके 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है वो पंचायती राज के कार्य करने के लिए जो है 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 36, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए क्या लिखा हुआ है? कि राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों की आवंटन का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया, किसमें? 4th अनुसूची में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये तो 4th अनुसूची, तो आपको पता चलेगा कि भारत राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया गया है कि हर राज्य से राज्यसभा की सीटें आएंगी। 6ठी अनुसूची में क्या है? इसमें अभी बताया कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और जो मिजोरम है इसमें जो जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन और नियंत्रण के बारे में दिया है। 5वीं में जो है इसमें विभिन्न जो अभी पीछे पहले क्वेश्चन में यही था कि अनुसूची 5 में क्या है, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है।
37 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लेखित थी? वहाँ पे उस समय पे जो उल्लेखित थी तो वो कश्मीरी थी दोस्तों। ये बोडो, कोंकणी और सिंधी, ये तो जो है बाद में जो है ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया, और सिंधी नहीं, संविधान कश्मीरी भाषा का उल्लेख था 21वें संविधान के तहत जो है सिंधी, और 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया है। ठीक है, ये जितनी भी भाषाएं हैं सब आपके 8वें अनुसूची में दी हुई हैं। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची के प्रदेश की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेखित है, तो जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत की संविधान जो है वो पहली ही अनुसूची में शामिल हो जाएगी, क्योंकि उसने राज्य उसी में तो बताया गया है कि भारत एक संघ है, उसमें जो है राज्य और केंद्र शासित केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा जो है वो उन लोगों को किस में बताया गया, तो ये पहली ही। ठीक है, फिर शपथ और अच्छा इसके बाद में है क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि शपथ और अभिपुष्टि के रूपों का भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख है। शपथ और अभिपुष्टि है, तो भारत के जितने भी पद होते हैं उनकी शपथ तीसरे में दे रखी है, और उनके शायद दूसरी अनुसूची में उनको जो है पदों का उल्लेख किया गया है, और उनके शपथ और अभिपष्ट की पूर्णी जो है उसमें तीसरी अनुसूची में है। इसमें रंग जितने भी संघ राज्य मंत्रियों के उच्च न्यायालय तथा जितने भी ये पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, इनमें जो है इनके बारे में बताया गया, और अनुच्छेद 60 जो है इसमें उपराष्ट्रपति है, अनुच्छेद 69 नहीं राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 60 में उपराष्ट्रपति, अनुच्छेद 69 में राज्यपाल, 159 में ये जो है शपथ लेता है। ठीक है, इनकी शपथ जो दे रखी है ये सब किस में है, तीसरी अनुसूची में है। चलिए दोस्तों, हमारे जो देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे जो आज 39 क्वेश्चन थे ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको डेली के डेली हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के सातों दिन आपको जो है 7 वीडियो मिलते रहेंगे, प्लस हिंदी आपको पर डे के पर डे मिलती रहेगी। इसके अलावा मेरा एक टारगेट ये भी है कि मैं आपको एक पर डे बंडलाइनर आपको देता रहूं 30-40 क्वेश्चंस का, जो आपके दिमाग में वो भी रहें, तो जिससे जब आपका जीएस का पेपर अगर अच्छा हो गया, सोचिए अगर आप जीएस में 30 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करके सही कर ले जाते हैं तो आप फिर टॉप मारने की कंडीशन में पहुँच जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप 100% टॉप मार लेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन नोटिफिकेशन तक हमारी ये क्लास पर डे ऐसे ही चलती रहेगी, आपको ये मैं पूरी तरीके से याद करा दूंगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।